घर जाके खाऊंगी। घर जाके 2 बजे का टाइम था हमारा। गाइस हमने ऑर्डर किया था उबर ईट से, हमें पिकअप करने के लिए इतनी लेट हो गई गाड़ी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गाइस यार सामान हो गया है पैक, चलने की है तैयारी, हमारी अटैचियां हो गई हैं पैक। क्या प्रोग्राम है मैडम, ये अपना सामान संभालने में लगी है। मिस्टर बीस्ट कहीं नहीं जा रहा। मिस्टर बीस्ट यार भाई साहब यार संभालना तो है ना, हर जगह जाती हूँ फ्रीजर में घुसा देती हूँ, ये मैं घर जाके खाऊंगी। घर जाके खाऊंगी या अगले साल खाऊंगी? अगले साल नहीं, 2 साल बाद। क्या हो जाएगा? बाहर खा ली। क्या बात है यार। तो शनाया, हाउ वाज योर वॉशिंगटन डीसी? वेरी नाइस, बहुत ज्यादा अच्छा। और मैंने वहाँ से मेरे न्यू शूज भी खरीदे, तो मैंने अभी पहने। हाँ, तो बेस्ट पार्ट तुम्हारा शॉपिंग ही रहा इसका मतलब। हाँ, शॉपिंग मेरे मैंने अभी ज्यादा नहीं करी है, बहुत थोड़ी सी करी है, सिर्फ चप्पल और शूज ही नहीं है। तो ठीक है भाई, तो क्या प्रोग्राम है भैया, क्या दे रहे हैं? चलो यार लेट हो गए हैं। हो गया वॉशिंगटन डीसी का शौक पूरा? वॉशिंगटन डीसी का शौक पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसा रहा वॉशिंगटन डीसी? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस प्लेस, बहुत अच्छी है। तो गाइस यार हमारी पैकिंग शेकिंग सब हो गई है। हाँ, हाँ। तो लेट्स गो, गाड़ी आती होगी हमारी। क्या नहीं समझ आ रहा? चॉकलेट टूट जाएगी। क्या बोला तूने? टेंशन मत ले, चलो 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 लेट्स गो। यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हम अपना व्लॉग ही नहीं बना पाए और हमारी फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। हम लोग पता नहीं है पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, देखते हैं। बैठ तो गए हैं गाड़ी में, गाड़ी आना भूल गई गाइस। 2 बजे का टाइम था हमारा, गाड़ी आई है 3 बजे। कितने बजे आई है? 3 बजे। 3 बजे नहीं मैडम, 3:20 पे आई है। और हमारी 5 बजे की फ्लाइट है और अब पता नहीं है, यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है। तो आन जाने भाई ये पहुँचा दे बस जल्दी, फ्लाइट मिस ना हो जाए। क्या बताऊँ खाने का? जैसे आया हमारे पास। हाँ खाने का गाइस हमने ऑर्डर किया था उबर ईट से, ये पापा जॉन से गार्लिक ब्रेड एंड एवरीथिंग। भाई साहब हम बाहर खड़े रहे, पूरा मूवी हॉल वाला सीन हो गया। नहीं इधर से हम भाग रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं। नहीं देखो, बड़ा जबरदस्त गाड़ी आई, पापा जॉन, अंदर भागा, जिसने ऑर्डर किया था वो आए बाहर खड़ा था, वो पापा मतलब ये ब्रेड लेकर कोई बंदा एकदम उसी टाइम गाड़ी आ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब हमारा इतना पैनिक हो रखा था, गाड़ी 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 नहीं आ रही, हम सड़क पे टैक्सी लेके खड़े हुए थे और फिर सडनली एकदम से गाड़ी आई हमें पिकअप करने के लिए, इतनी लेट हो गई गाड़ी और साथ के साथ ही पापा जॉन ने जिसने एंट्री मारी हमारे खाने में। मजे की बात यह कि इनको टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचने से कोई लेना देना नहीं था, इनको सिर्फ पिज्जा से मतलब उससे। हाँ, था। इसको था कि बस टैक्सी आए ना आए। पापा अच्छा पापा वो मैनेज करेंगे, तू ये मैनेज कर, ये भी ठीक है गाइस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलो लेट्स सी यार, खाना पीना तो हो गया, क्या लग रहा है पहुँच जाएंगे टाइम पे? जी पहुँचा देना प्लीज, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। भाई किसी ने ये बंदा भेजा, देखो ये क्या करता है भाई, जल्दी चला ले। गाइस यार बहुत ही दिक्कत हो गई है, मुश्किल से 15 मिनट और दिखा रहा है, ऐसा पता नहीं क्या होगा, ये बेचारा रोने में लगा हुआ। गाइस वाह वाह क्या है, क्या पैर मुड़ रहा तेरा? बंदे ने बोला ये वाली फ्लाइट है यहाँ से उड़ती नहीं है। ओह माय गॉड, नान्या कैच करी है लास्ट बॉल पे, कैच किया हो गई थी हमारी फ्लाइट, बट यार हमारी लक भी अच्छी हो गई। बट डिले क्या हुई, 5 मिनट डिले, डिले होता है क्या? हमें हम हाँ डिले तो हुई, हम खुश हो गए अंदर आके, हमें बता रहे कह रहे कि यार आपकी फ्लाइट डिले हो गई, और फिर हमने पूछा कितनी देर डिले, कहते 5 मिनट। अंग्रेजों को ना ये वेट से बड़ी प्रॉब्लम है, इतना वेट ज्यादा है। ओ भाई ज्यादा है तो हम लोग तो 5 है ना। हाँ एक एक बैग खुलवाया इन्होंने और इनका फिक्स है कि 50 lbs, पता नहीं किलो कितने होते हैं, लैब जो भी है, एक भी ऊपर है तो भैया उसको कम करो, शिफ्ट करो। तो हमें 15 मिनट तो इसी में लग गए, इसका निकाल उसमें डाल, इससे अच्छे तो हम ही है। हाँ तो बस दो तीन ज्यादा थे, उसके अंदर भी पूरा निकलवाया इन्होंने। चलो फाइनली अब हम सिक्योरिटी पे पहुंच गए गाइस, लेट्स सी। फाइनली गाइस पहुंच गए हम हमारे गेट पे A1, जो कि हमें लेके जा रही है नायगरा फॉल्स
और अभी हमारे हैं, हाँ भाई पहुंच गए फाइनली, भागते ठंडी आहे, ओह माय गॉड, खुश हो? ये कैसे सोच रही पापा क्या होगा अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो क्या होगा? श्याम तू पूछ रहा था क्या क्या पूछा था, फ्लाइट मिस हो जाएगी तो क्या होगा क्या होगा? चलो तेरी फ्लाइट मिस नहीं, खुश है? गाइस हम पहुंच गए हैं बफलो नायग्रा, टन टन बफलो नायग्रा पहुंच गए गाइस फाइनली, भाग भाग कर। और मजे की बात है हम पांचों के पांचों पहली बार लाइफ में अलग अलग सीट पे बैठे हैं। डरी तो नहीं तू? नहीं डरने में क्या, ऐसा कुछ है नहीं। तो तू अकेला पहली बार अकेला बैठा है, डरा तो नहीं? सो गया था मैं तो। सो अरे वाह, अरे पूरी फ्लाइट में 50 मिनट्स 51 गाइस यार हमारी कार आ गई है जिसमें हम जा रहे हैं। हां भाई मजा आ रहा है सियान? सरप्राइज था ये, तुम्हारे लिए लीमो बुक कराई थी, बताया नहीं मैंने। सरप्राइज मैन, गो गो गो, हमारा उठ रहा है भैया, मैं जरा सामान उठा लूं अपना। हाँ भाई लिमोजीन, हाँ मजा आ रहा है, मजा आया। डैन डैन लिमोजीन की सवारी कैसा लगा? सरप्राइज ये भैया लिमोजीन है। हाउ वाज द सरप्राइज गाइस? सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आया। अब समझ में आ गया ना भाई, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना? तो गाइस मुझे खुद नहीं पता था कि ये कौन सी आएगी लीमो लीमो, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, पता नहीं होता ना क्या पे बोलते कुछ है आता कुछ है, पहले ही तुम्हें बता दूं फिर तुम कहोगे अरे ये क्या है, इसलिए बिग सरप्राइज था। तो गाइस यार बहुत ही जबरदस्त वेदर है यहाँ नायग्रा फॉल्स में भी, और हमारी लिमोजीन के अंदर भी बहुत ही जबरदस्त वेदर है, मजे आ रहे हैं लीमो गाइस, ऑसम। How's the Josh? How's the Josh? Nice. So guys, yeah, all good man. Thank you. So guys, okay. So guys, यार ये है साइड में Niagara Falls वाली लेक जहाँ हम कल जाने वाले हैं। Finally पहुँच गए हैं अपने होटल में लिमोजीन की सवारी करते हुए। टैन टैन चेक इन प्रोसेस चल रहा है, हमारा लगेज आ गया है। यहाँ पर हमारे शेरेटन में हैं दो रूम्स, टैन टैन वन रूम इज दिस, दिस इज आवर वॉशरूम एंड दिस इज आवर बेडरूम, वी हैव टू क्वीन बेड्स। गंदा कर दिया, एहे रहा नहीं जाता, एंड दिस इज आवर व्यू, एसी की जरूरत नहीं है यार। हमारा दूसरा रूम, ये यहाँ पे सेटल हो गए सारे, ये सेटल हो गए। मैं तुम्हारा ये कार्ड लेकर जा रहा हूँ। तो गाइस रूम का व्यू तो सेम ही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, कल हम जाने वाले हैं नायगा फॉल्स। बाय तो कर दो, बाय तो कर जाओ गाइस, जाने से पहले बाय कर जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियोस देखते रहना, बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्रूज शिप राइड न्यूयॉर्क वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल आरएस 13 व्लॉग्स पे, बहुत मजा आया वीडियो देखने के लिए, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।